हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है पटनी टॉप हिल स्टेशन के बारे में। पटनी टॉप दिल्ली से करीब 654 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको लगेंगे करीब करीब 13 घंटे अगर आप लगातार ड्राइव करते हैं। पटनी टॉप जाने का प्लान हमारा बना माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद। कटरा से पटनी टॉप का डिस्टेंस है करीब 85 किलोमीटर्स और यहाँ पर आपको पहुँचने में लगेंगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे। पटनी टॉप बाईपास टनल बनने के बाद पटनी टॉप में टूरिस्ट का आना बहुत कम हो गया है और ये टनल स्टार्ट हुई थी 2017 जनवरी में। लेकिन अगर आप वैष्णो देवी माता के दर्शन करने आते हैं तो आपको पटनी टॉप ज़रूर जाना चाहिए। ये वाकई में वर्थ है जाना, वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जगह है। देखिए, आप ये टर्न देख सकते हैं, तो इस बोर्ड के बाद अगर आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आप सीधा कटरा चले जाएंगे और ये जो रोड है वो सीधा जाता है श्रीनगर। बाईपास टनल क्रॉस करने के बाद जब आप पटनी टॉप हिल्स पर चढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी शांति दिखाई देगी, आपको ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं, ये एक तरह से टॉप माना जाता है हिल्स पे, ये पटनी टॉप। और यहाँ से व्यूज़ काफ़ी ब्यूटीफुल मिलते हैं। तो हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ क्योंकि हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर माउंटेन केबल कार से आप पूरे पटनी टॉप का बर्ड आई व्यू देख सकते हैं। हम पटनी टॉप पहुँचे थे करीब 2 बजे के आसपास और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस दिल्ली के लिए निकलना था, तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी। तो हमने सोचा कि पटनी टॉप का जो व्यू है वो हम माउंटेन केबल कार से देखें। और ये यहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। इसका टोटल टाइम जो है करीब होता है 40 मिनट्स। इस केबल कार का नाम है स्काई व्यू पटनी टॉप। इसमें वन वे में जो आपको टाइम लगेगा टॉप से बिल्कुल नीचे तक पहुंचने में, वो लगेगा करीब 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स आपके काफ़ी पीसफुल रहेंगे, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आप चारों तरफ पूरे पटनी टॉप की पहाड़ियों का व्यू ले सकते हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपके खाने पीने का काफ़ी अच्छा सा फूड कोर्ट बना हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना अच्छे से डाइट ले सकते हैं। आपको यहाँ से भी व्यू काफ़ी बेहतरीन दिखाई देगा। आप यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो इन्होंने प्लान की हुई हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी इसलिए हम एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए। और हमने वापस प्लान किया टॉप पे जाने का क्योंकि हमारा दोबारा से व्यू देखने का काफ़ी मन था। पटनी टॉप के जो पहाड़ियों का व्यू है वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो देखिए, हम वापस जाने की प्लानिंग में हैं और मेरा बेटा काफ़ी एक्साइटेड था। और आप भी इस राइड का एंजॉय कीजिए।
टॉप स्काई व्यू देखने के बाद हम पहुंचे अपने होटल, और ये होटल बस स्टैंड के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पर भी काफ़ी शांति थी। आप देख सकते हैं काफ़ी पीसफुल आपको फील होगा जब आप यहाँ पर आएंगे। और काफ़ी सर्दी थी क्योंकि ये मौसम था नवंबर एंड का, और यहाँ पर जो सर्दी थी काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो अगर आप किसी पीसफुल हिल स्टेशन को विज़िट करना चाहते हैं तो पटनी टॉप इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और अगर आप वैष्णो माता दर्शन करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आना वर्थ होगा, आपको आना चाहिए। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए दिल्ली की तरफ वापस, और आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी अच्छा व्यूज़ थे, काफ़ी खाली रोड थी, और यहाँ पर आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे ड्राइविंग को भी। और हम सुबह करीब 8 बजे के आसपास होटल से निकल चुके थे दिल्ली की तरफ, और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी वापस घर आने के लिए। तो आप भी आइए, इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।